सब्सक्राइब करें सुपर टेलर चैनल को और प्रेस करें इस बेल आइकॉन को ताकि आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। हेलो दोस्तों, सुपर टेलर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं मेंस फिटिंग पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों एक बार मेजरमेंट को देख लेते हैं। मेजरमेंट में हमने दोनों ही लैंग्वेज में लिखा है, तो लंबाई है 40 इंच, कमर 31 इंच, हिप 36 इंच, जांघ 23.5 इंच व बॉटम जिसे हम मोरी कहते हैं 16 इंच। तो चलिए दोस्तों इस मेजरमेंट के पैंट की कटिंग हम किस तरह से करेंगे ये आज के वीडियो में हम समझने वाले। तो जैसा कि आप दोस्तों बहुत अच्छी तरीके से आपको पता है कि हम मार्किंग करने के लिए कपड़े को उल्टा कर जमा लेते हैं, तो हम ऐसा ही करने वाले हैं। मार्किंग करने के लिए हम कपड़े को उल्टा कर जमा लेंगे, इसके बाद ही हम इसकी मार्किंग करेंगे। दोस्तों आप बहुत ही आसान तरीके से आज की वीडियो में आपको पैंट की कटिंग समझाने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें ताकि आपको पैंट की कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। दोस्तों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हो या आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों अब हम मार्किंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम सीधे स्केल की मदद से मार्किंग की शुरुआत जो करेंगे बॉटम से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए हम सीधे स्केल की मदद से नीचे बॉटम में एक मार्किंग कर लेते हैं। दोस्तों मार्किंग आपको बिल्कुल सीधी करना है ताकि जो भी रेशेदार कपड़ा है या डिफेक्टिव कपड़ा है वो आपका हट सके। इस तरह से आपको बॉटम में मार्किंग करना है। इसके बाद दोस्तों जो नॉर्मली हम बॉटम में मार्जिन लेते हैं वो 2.5 इंच लेते हैं या फिर 2.75 इंच लेते हैं। तो यहां पर हम 2.75 इंच बॉटम के लिए मार्जिन लेंगे और उसको इस तरह से मार्किंग कर देंगे 2.75 इंच पे। दोस्तों अगर आप 2.5 इंच पे करना चाहते हैं तो आप 2.5 इंच पे भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आप मोरी की मार्जिन लेते हुए मार्किंग करें और सीधे स्केल की मदद से इस तरह से एक मार्किंग कर दे। तो दोस्तों यहां पर हमने समझा है कि मोरी की मार्किंग किस तरह से की जाती है। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि लंबाई की मार्किंग हमें किस तरह से करना है। तो जो भी लंबाई का मेजरमेंट था आपने देखा होगा, लंबाई का मेजरमेंट था 40 इंच। आधा इंच हम एक्स्ट्रा बढ़ाकर, क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में जाएगा इसलिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा बढ़ाकर 40.5 इंच को टेप को इस तरह से रखना है। इसके बाद ऊपर 1.5 इंच का बेल्ट आने वाला है तो आप 1 इंच कम कर मार्किंग कर दे। इसके बाद हिप के अकॉर्डिंग लटक की मार्किंग की जाती है। तो हिप का जो मेजरमेंट था दोस्तों 36 इंच था, 4 से डिवाइड करने पाएगा 9 इंच और आप 2 इंच बढ़ा ले तो हो जाएगा 11 इंच। तो आप 11 इंच पे लटक के लिए मार्किंग कर दे। दोस्तों इसके बाद हमें घुटने के लिए मार्किंग करना है, तो आप लटक की मार्किंग से मोरी की मार्किंग के बीच की जो डिस्टेंस है उसे मेजर करें, 29.5 इंच आ रहा है। दोस्तों हाफ करने पाएगा 14.5 इंच और 5 इंच आपको कम करना है। हर तरीके से आपको हर पेंट की कटिंग में इसी तरीके से घुटने की मार्किंग करना है। तो 5 इंच कम करने पे, सॉरी हमने यहां पर 14.5 इंच कर दिया है, 14.5 में से आप 5 इंच कम करेंगे तो आएगा 14.5 इंच। तो इस तरह से आपको घुटने की मार्किंग करना है। दोस्तों अब इसके बाद आप इन तीनों मार्किंगों को जो हमने लंबाई के लिए की है, लटक के लिए की है और घुटने के लिए की है, इन सभी मार्किंगों को आपको 1x1 सीधे स्केल की मदद से सीधा कर लेना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमने तीनों मार्किंगों को सीधे स्केल की मदद से सीधा कर लिया है। चलिए दोस्तों इसके बाद जांघ की मार्किंग किस तरह से की जाती है ये हम समझ लेते हैं। तो इस तरह से आप कोर के पास से एक मार्किंग कर ले। इसके बाद जांघ का मेजरमेंट 23 इंच था। दोस्तों आपको हाफ करना है तो आएगा 11.5 इंच और आधा इंच आप एक्स्ट्रा एड कर ले तो हो जाएगा 12 इंच। दोस्तों क्यों ऐड कर रहे हैं ये भी हम आपको आगे समझाने वाले हैं। फिलहाल आप यहां पर 12 इंच पे मार्किंग कर दे और 1.5 इंच अंदर एक मार्किंग कर दे। इसके बाद 12 इंच का हाफ कर ले तो आएगा 6 इंच, तो 6 इंच पे आप इस तरह से मार्किंग कर दे। तो दोस्तों ये जो हमने 6 इंच पे मार्किंग की है यही आपकी पेंट की सेंटर की मार्किंग होगी। तो हम आपको एक बार फिर से समझा देते हैं कि आपको सेंटर की मार्किंग किस तरह से करना है। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमने जो जांघ पर 6 इंच की मार्किंग की थी वही आपकी सेंटर की मार्किंग होगी। तो इसी तरीके से आपको कोर को हटाकर 6 इंच मेजर करना है और सेंटर की मार्किंग कर देना है। दोस्तों काफी सारे व्यूअर्स ने हमें कमेंट कर बताया था कि सर आप एक बार फिर से एक्सप्लेन करें कि सेंटर की मार्किंग किस तरह से की जाती है। तो देख सकते हैं दोस्तों हमने यहां पर आपको बहुत ही आसान तरीके से बताया है कि पेंट की सेंटर की मार्किंग किस तरह से की जाती है।
दोस्तों ऐसा करने से जो आपके पैंट की क्रीज रहती है वो बहुत स्ट्रेट रहती है और पैंट बहुत अच्छी दिखती है और पैंट की फिटिंग भी बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा भी हमने आपको पैंट की काफी सारी मेथड्स बताई है कि पैंट की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो चलिए दोस्तों इस प्रकार आप सेंटर की मार्किंग कर ले। सेंटर की मार्किंग करने के बाद हम मोरी की मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों जो मोरी का मेजरमेंट था 16 इंच, आप 16 का 4 से डिवाइड कर ले तो आएगा 4 इंच। तो आपको इस सेंटर के दोनों तरफ 4-4 इंच पे मार्किंग करना है। तो ये हो गई आपकी मोरी की मार्किंग। सेंटर के दोनों तरफ आपको 4-4 इंच पे मार्किंग करना है। इसके बाद हम पेंट का शेप किस तरह से देते हैं यह समझ लेते हैं। तो दोस्तों ये 6 इंच पे हमने मार्किंग की थी, इसी तरीके से हम 6 इंच पे इधर भी मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद राउंड स्केल लीजिए आप, और जो कोर के पास से हमने मार्किंग की थी, मोरी के पास भी और जांग के पास भी, इन दोनों मार्किंगों को आपको राउंड स्केल के जो एंड पॉइंट से उसे मिलाना है और घुटने तक आपको राउंड मार्किंग कर देना। ये देखिए राउंड शेप में मार्किंग कर दी हमने घुटने तक। अब आप जो मोरी की एक्चुअल मार्किंग की थी जो हमने, उसे मिलाते हुए आपको नीचे मोरी तक मार्किंग को बढ़ा देना है और मोरी के पास से आप मार्किंग को हल्का सा तिरछा कर ले। चलिए दोस्तों इसी तरीके से अब दूसरी तरफ भी हम पेंट का शेप किस तरह से देते हैं यह समझ लेते हैं। तो दोस्तों आप राउंड स्केल लीजिए और जो हमने मोरी की एक्चुअल मार्किंग और 6 इंच पे जो मार्किंग की थी उसका सेंटर में आपको राउंड स्केल को रखना, ऐसा नहीं रखना है आपको सेंटर में रखना। सेंटर में रखते हुए आप जांग से लेकर घुटने तक राउंड शेप में मार्किंग कर ले। हम समझाएंगे हमने सेंटर को, दोनों मार्किंग का सेंटर पे राउंड स्केल को किस तरह से रखा है। तो चलिए दोस्तों यहां तक आप घुटने तक राउंड शेप में मार्किंग कर दे और आप सीधे स्केल की मदद से आप इस मार्किंग को नीचे मोरी की एक्चुअल मार्किंग से मिलाते हुए मार्किंग करें। तो देख सकते हैं दोस्तों नीचे की मार्किंग हमारी कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि कमर की मार्किंग हमें किस तरह से करना है। कमर की मार्किंग करने के लिए आप सीधा स्केल लीजिए, इसे आपको बिल्कुल सीधा रखना है। और दोस्तों फिटिंग पेंट की कटिंग करने के लिए आप हल्का सा अंदर राउंड स्केल को दबा ले और मार्किंग कर दे। इसके बाद आप लटक में शेप देते हुए मार्किंग करें। दोस्तों शेप देने के बाद आप फ्लाई के लिए कट लगा ले। इसके बाद कमर का मेजरमेंट था 31 इंच, तो आप 31 इंच यहां पर नोट कर ले ताकि स्टिचिंग करते वक्त आपको कमर का मेजरमेंट देखने की जरूरत ना पड़े। इसके बाद 31 का 4 से डिवाइड करें तो आएगा 7.5 इंच, और 7.5 इंच एक्स्ट्रा लेकर आप 8.5 इंच पे कमर के लिए मार्किंग कर दे। दोस्तों इसके बाद इस मार्किंग को आपको स्केल की मदद से, राउंड स्केल की मदद से इस तरह से मिलाना है और शेप दे देना है। दोस्तों इसके बाद हमें बेल्ट में शेप देना है, तो 22 इंच आप हल्का सा ऊपर कर ले और फ्लाई के पास से आप फ्लाई कम करने के लिए 0.5 इंच डाउन कर ले। इसके बाद पॉकेट के लिए मार्किंग करेंगे, तो पॉकेट की मार्किंग करने के लिए आप ऊपर से 2.5 इंच ले ले और नीचे से आपको 6.5 इंच लेना है। इसके बाद आप इन दोनों मार्किंगों को मिलाते हुए क्रॉस पॉकेट के लिए मार्किंग कर दें। दोस्तों जो हमने 0.5 इंच जांग का मेजरमेंट बढ़ाकर काटा था, तो चलिए हम समझ लेते हैं कि हमने क्यों बढ़ा के काटा था। तो दोस्तों यहां में अब हम पेंट का शेप देने के लिए ये 0.5 इंच हम कम कर देंगे। तो आप देख सकते हैं 0.5 इंच कम हो गया और पेंट का शेप भी अब गुड लुकिंग दिख रहा है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं किस तरह से की जाएगी। तो दोस्तों आप बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग फ्रंट की कटिंग कर ले। इसके बाद हम समझने वाले हैं कि फ्रंट की मदद से हमें बैक की कटिंग किस तरह से करना है। दोस्तों बहुत ही आसान तरीके से हम बैक की कटिंग भी आपको समझाने वाले हैं, तो आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकोन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों अगर आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कर बता सकते हैं ताकि हम नेक्स्ट वीडियो में आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर सके। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर हमारी फ्रंट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। चलिए अब हम इसके बाद समझने वाले हैं कि बैक की कटिंग किस तरह से की जाएगी। चलिए दोस्तों बैक की मार्किंग करने के लिए किस तरह से हमें फ्रंट को जमा लेना है यह हम समझ लेते हैं। तो जब भी आप फिटिंग पेंट की कटिंग करें तो आपको बैक को 2.5 इंच एक्स्ट्रा बढ़ाते हुए काटना है और ऊपर से 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो चलिए दोस्तों आप मेजर कर लेते हैं। ये देखिए हमने साइड से 2.5 इंच रख लिया है और ऊपर से आपको 1.5 इंच मेजर करते हुए फ्रंट को जमा लेना है। दोस्तों फ्रंट को अच्छी तरीके से जमाने के बाद ही आप इसकी मार्किंग करें। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमने फ्रंट को 2.5 इंच दूर और ऊपर से 1.5 इंच नीचे रखते हुए जमा लिया है।
मेजर कर ले, यहाँ पर हमने 2.5 इंच दूर रखा है। इसके बाद आपको सीधा स्केल लेना है और इस जांग वाली मार्किंग से करीब 1.5 इंच डाउन करते हुए आपको बेक पर भी मार्किंग कर लेना है। घुटने वाली मार्किंग से आपको एज इट इज मार्किंग को बेक पर रखना है। दोस्तों जब भी आप फिटिंग पेंट की कटिंग करें तो आपको बेक को पॉकेट के पास से 1 इंच एक्स्ट्रा काटना है। तो आप राउंड स्केल लीजिए और इस तरह से 1 इंच बढ़ाते हुए यहां पर बेक में शेप दे दीजिए, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद जो हमने बेक को 1.5 इंच ऊपर से एक्स्ट्रा रखा है उसे शेप देते हुए हम मिला लेते हैं, ये देखिए दोस्तों। इसके बाद हम कमर के लिए मार्किंग करेंगे। तो कमर का मेजरमेंट 31 इंच था, 4 से डिवाइड करने पर आएगा 1.25 इंच, 1/2 इंच सिलाई का, 1.25 और 1 इंच पीछे जो सल देते हैं बेक में उसके लिए, मीन 1.25 इंच पे हम कमर के लिए मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद हम हिप के लिए मार्किंग करेंगे। तो हिप का मेजरमेंट दोस्तों 36 इंच था, 36 इंच का 4 से डिवाइड करने पर आएगा 9 इंच और 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हम 10 इंच पे हिप के लिए मार्किंग कर देते हैं। इसके बाद दोस्तों नीचे हम मार्किंग करेंगे। तो यहां पर आपको 1.25 इंच लेना है और मोरी के पास से आपको 1.5 इंच लेना है। इसके बाद यहां पर इन मार्किंगों को भी आप मिला ले। सबसे पहले घुटने तक आपको राउंड स्केल की मदद से मार्किंग करना है। इसके बाद आपको सीधा स्केल ले लेना है और सीधे स्केल की मदद से आपको इस मार्किंग को नीचे मोरी तक बढ़ा लेना है। इसके बाद मोरी के पास से आप हल्की सी मार्किंग को तिरछा करते हुए मार्किंग करें और अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए आपको मार्किंग करना है। दोस्तों ये जो हम मार्किंग करते हैं ये सिलाई के लिए रहती है। तो चलिए दोस्तों सिलाई हमें किस शेप में लगाना है उसके लिए हम मार्किंग कर लेते हैं और हम कमर में एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए कटिंग करते हैं। तो देखिए हम ये मार्जिन लेते हुए मार्किंग कर लेते हैं, इसी मार्किंग पे हमें बैक की कटिंग करना है। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी बैक की मार्किंग है कंप्लीट हुई है, ये देखिए इस मार्किंग के अकॉर्डिंग हम कटिंग कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम कटिंग करके समझ लेते हैं कि किस तरह से हमें बैक की कटिंग करना है। चलिए दोस्तों आपको बिल्कुल मार्किंग के अकॉर्डिंग कटिंग कर लेना है जिस तरह से हमने आपको बताया है। दोस्तों अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में जो बेल आइकॉन है उसे प्रेस करें ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। दोस्तों अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमें कमेंट कर बताइए और अगर आपको कटिंग समझने में किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आई हो तो प्लीज आप हमें कमेंट कर बताइए ताकि नेक्स्ट वीडियो में हम आपकी प्रॉब्लम को दूर करने की कोशिश कर सके। तो देख सकते हैं दोस्तों यहां पर हमने पेंट की कटिंग करना आपको बताया है। थैंक्स फॉर